बार बार एक ही क्वेश्चन मत पूछा करो कि आप अपने स्किन को गोरा करने के लिए या फिर बॉडी को गोरा करने के लिए क्या यूज करते हैं। आप मुझसे ये पूछो कि हम क्या यूज करें जो कि बिल्कुल आपकी तरह दिखे। ऐसे मार्केट में काफी सारी सामग्री अवेलेबल है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं रिंकी और आप देख रहे हैं नुस्खा। चलिए आज की इस वीडियो शुरू करते हैं। आप भी यही क्लास कर रहे हैं कि जल्दी बता दीजिए ना, क्यों इतना टाइम ले रहे हैं? हाँ बिल्कुल भी आपका टाइम नहीं लूंगी, क्योंकि टाइम काफी अनमोल होता है। तो चलिए जानते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको चाहिए होगा इनो, के बाद इसमें ऐड करनी है एलोवेरा जेल। कई गुणों से भरपूर होता है, जिसमें से कि एक गुण काफी अच्छा होता है आपके स्किन के लिए, विटामिन सी। इसमें विटामिन सी पाया जाता है, इसीलिए बहुत अच्छा होता है। लेकिन मार्केट का एलोवेरा में मैं आपको नहीं बता सकती कि इसमें क्या पाया जाता है, क्योंकि मार्केट का एलोवेरा जेल में काफी सारी सामग्री मिलाई जाती है। इन दोनों को मिक्स कर लें, उसके बाद फिर कुछ टाइम के लिए छोड़ दें। उसके बाद इसमें ऐड करें टूथपेस्ट, व्हाइट टूथपेस्ट, जो कि आपका स्किन को ग्लोइंग करने में और जो पिंपल्स होता है वो निकालने में कारगर है। इसके बाद जो नेक्स्ट इंग्रेडिएंट चाहिए होगा वो है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल एक मॉइस्चराइजर की तरह काम करता है, बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है स्किन को गोरा करने के लिए। लेकिन हाँ, ये नुस्खा को आप अपने स्किन पे कभी मत यूज कीजिए। क्यों? क्योंकि चेहरे का स्किन होता है वो काफी लचीला होता है, काफी संवेदनशील होता है, इसी की वजह से आप अपने स्किन पे इसे मत यूज करें। अपने बॉडी स्किन के अलावा अपने पूरे बॉडी पे यूज कर सकते हैं। बाद इन सब सामग्री को अच्छे से मिक्स करें। पैर की स्किन में डेड सेल्स होती है, स्किन हैंड की स्किन पे डेड सेल्स होती है, वो सारा रिमूव हो जाए। तो आप इस एरिया में लगा सकते हैं, पैर के इस एरिया में लगा सकते हैं, बाकी उंगली का जो गांठ होती है ना, उस जगह पे भी आप लगा सकते हैं, जहाँ पे रीड जॉइंट होती है वहां पे भी मेरे शरीर के ऊपर दिखता है कि यहाँ मेरा रीड जॉइंट है, तो इस जगह पे आप लगा सकते हैं। उसे लगाने के बाद ब्रश से रगड़ दें। रगड़ने के बाद अपने स्किन को या फिर जहाँ पे आप इसे यूज करते हैं उस एरिया को साफ कर लें। इस तरीके से आपको यूज करना है वीक में ऑलमोस्ट 2 डेज। ओके गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अगर मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, इसी के साथ ही साथ मेरे फेसबुक पेज पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा मेरा एक और सेकंड चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। इन सारे सोशल मीडिया का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।